हेलो एवरीवन, आप इस वीडियो में करेंगे इंटरफेस पाइथन विद माई एसक्यूएल। मीन्स आप पाइथन की इंटरफेस पर माई एसक्यूएल की क्वेरीज को कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हो। ओके, तो इसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, आपको पाइथन को माई एसक्यूएल के साथ क्या करना है, कनेक्ट करना है, राइट। उसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना होता है, माई एसक्यूएल कनेक्टर पाइथन, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं एनाकोंडा यूज़ कर रही हूँ, एनाकोंडा का जुपिटर नोटबुक मैं यूज़ करूँगी। तो पहले मैं क्या करूँगी, अपने MySQL कनेक्टर को इंस्टॉल करूँगी, राइट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एनाकोंडा मैंने ओपन किया है, आप एनवायरमेंट्स में जाएंगे, राइट। यहाँ पे बेस रूट में आप क्लिक करेंगे, ओके, एंड टर्मिनल को ओपन करेंगे, फाइन। ये आपका टर्मिनल ओपन हो गया है। यहाँ पे आप कमांड लिखेंगे pip install MySQL connector python, ओके, और उसके बाद आप इस एंटर को प्रेस कर दोगे, फाइन। अब यहाँ पे देखो ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, राइट। यहाँ पे मैंने ये आपको शो किया है दिखाने के लिए कि आपको किस कमांड के थ्रू इसको इंस्टॉल करना है। देखो यहाँ पे मेरा आ चुका है ऑलरेडी, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, फाइन। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, टर्मिनल में जाके आप अपना पहले MySQL पाइथन कनेक्टर पैकेज को इंस्टॉल करोगे, फाइन। तो ये मैंने आपको शो कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को बनाते हैं, ओके। तो यहाँ पे ओके, ये मेरा जुपिटर नोटबुक ओपन हो गया है। तो इसको जो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर, राइट। MySQL कनेक्टर अभी हमने क्या किया, इंस्टॉल कर लिया है। अब इसको हम अपने प्रोग्राम में इम्पोर्ट कराएंगे, राइट। MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज को अपने पाइथन की स्क्रिप्ट में इंपोर्ट कराएंगे। तो यहाँ पे मैं इसका एलियास नेम दे देती हूँ एसक्यूएल टर, ठीक है। तो मुझे पूरा का पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, इम्पोर्ट ये माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर नहीं लिखना पड़ेगा, इसके प्लेस पे मैं सिंपल एसक्यूएल टर लिख सकती हूँ। आप कोई भी एलियास नेम दे सकती हो, फाइन, ओके। अब देखो हमने क्या किया, इम्पोर्ट कर लिया है MySQL कनेक्टर पैकेज को। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, नाउ वी नीड टू स्टेब्लिश कनेक्शन टू द MySQL डेटाबेस। हमें क्या करना है, MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्शन स्टेब्लिश करना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे कनेक्ट फंक्शन का, ठीक है। वी विल यूज़ कनेक्ट फंक्शन ऑफ MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज, ओके। तो अब यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे मैंने लिया MyCon, राइट। नाउ व्हाट इज़ MyCon, दैट आई विल टेल यू कि MyCon क्या है। अब मैं यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिखूँगी, MySQL डॉट कनेक्टर लिखने की बजाय मैं लिख देती हूँ SQL डॉट, ठीक है, क्योंकि ये मैंने क्या लिया, उसका निक नेम लिया है, राइट, उसका एलियास नेम लिया है, ठीक है। तो SQL डॉट कनेक्ट, कनेक्ट किसका फंक्शन है, कनेक्ट है MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज का, फाइन, ओके। कनेक्ट फंक्शन में हम क्या करेंगे, कनेक्ट फंक्शन में आपको फोर पैरामीटर्स पास करने हैं, ठीक है। फोर पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले है आपका होस्ट, फाइन। तो यहाँ पे मैं कौन सा होस्ट यूज़ कर रही हूँ, लोकल होस्ट, ओके। नेक्स्ट पैरामीटर क्या है आपका, यूज़र, फाइन। तो हम यहाँ पे जो हमारा MySQL का यूज़र है वो क्या होता है, जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं हम उसका यूज़र एज अ रूट लेते हैं, फाइन। तो यूज़र हमने ले लिया रूट। नेक्स्ट पैरामीटर है आपका पासवर्ड, तो मेरे MySQL का पासवर्ड है 1 2 3 4 5, राइट। अब मैं कौन से डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना चाहती हूँ, मैं कनेक्टिविटी करना चाहती हूँ स्कूल डेटाबेस के साथ, जो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, राइट। तो स्कूल डेटाबेस के साथ मेरी कनेक्टिविटी हो जाएगी, ओके, फाइन। तो देखो आपने क्या किया है, माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर के कनेक्ट फंक्शन का यूज़ किया है, और कनेक्ट फंक्शन में आपने फोर पैरामीटर्स पास किए हैं, फाइन, ओके। अब देखो
अब ये जो हमने कमांड लिखी है इसका क्या यूज है? दिस कमांड विल स्टेब्लिश कनेक्शन विद MySQL डेटाबेस. ओके, ये कमांड क्या करेगी? एक कनेक्शन क्रिएट करेगी किसके साथ? MySQL डेटाबेस के साथ. और उस डेटाबेस का नाम क्या है? स्कूल. फाइन. ओके, उसका यूज़र कौन है? रूट. और जो पासवर्ड क्या है? 1, 2, 3, 4, 5. राइट. तो MySQL डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट होगा. ओके, और वो कनेक्शन कहाँ पे जाके स्टोर होगा? वो MyCon ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर होगा. समझ आया? कनेक्ट फंक्शन की हेल्प से हमने कनेक्शन क्रिएट किया है. वो कनेक्शन कहाँ पे जाके हमारा स्टोर होगा? MyCon ऑब्जेक्ट के अंदर जाके स्टोर होगा. राइट. अब देखो यहाँ पे MyCon बहुत इम्पॉर्टेंट है. फाइन, मैं अभी बताती हूँ कैसे इम्पॉर्टेंट है. अब देखो इसका क्या यूज़ है. इसको हम जो MyCon ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसको हम बोलते हैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट. ओके, एंड कनेक्शन ऑब्जेक्ट कंट्रोल्स द कनेक्शन टू द डेटाबेस. ये क्या करेगा? अब डेटाबेस के साथ एक हमने कनेक्शन क्रिएट कर दिया है. वो कनेक्शन कहाँ पे जाके स्टोर हो गया है? MyCon ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गया है. MyCon ऑब्जेक्ट इसको कंट्रोल करके रखेगा. ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक सेशन रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, एक यूनिक सेशन रिप्रेजेंट करेगा विद द डेटाबेस. ओके, नाउ अब देखो आपने इतना कर लिया. अगर आप देखना चाहते हो कि आपका कनेक्शन सच में क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं इफ MyCon डॉट इस अंडरस्कोर कनेक्टेड. ठीक है, तो हम यहाँ पे इस अंडरस्कोर कनेक्टेड फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं और हम उसको कंपेयर कर रहे हैं ट्रू से. और अगर ट्रू है तो क्या होता है? अगर इस कनेक्टेड फंक्शन आपका ट्रू है तो कनेक्शन स्टेब्लिश हो चुका है. फाइन, तो यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं. प्रिंट सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MySQL डेटा बेस. राइट, मैंने प्रिंट करा दिया. फाइन, अब देखो हम इसका सिर्फ इतना ही पार्ट एग्जीक्यूट करते हैं. अभी हमने क्या किया है? MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज को इम्पोर्ट किया है. MySQL डॉट कनेक्टर पैकेज के कनेक्ट फंक्शन को यूज़ करके हमने क्या किया है? कनेक्शन क्रिएट किया है. कनेक्शन जो हमारा क्रिएट हुआ है वो कहाँ पे जाके स्टोर हुआ है? MyCon कनेक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हुआ है. राइट, अब हम MyCon ऑब्जेक्ट की हेल्प से ठीक है क्या पता लगा रहे हैं कि हमारा जो कनेक्शन क्रिएट हुआ है वो सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है. इसको हम करेंगे रन. देखो सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MySQL डेटाबेस, तो इसका मतलब हमारा जो कनेक्शन है वो क्रिएट हो चुका है. फाइन, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में हम क्रिएट करेंगे कर्सर ऑब्जेक्ट. ओके, ये जो MyCon है वो क्या है? आपका कनेक्शन ऑब्जेक्ट है. अब हम क्रिएट करेंगे कर्सर ऑब्जेक्ट. और कर्सर ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? बाय यूजिंग द कर्सर फंक्शन. राइट, तो पहले हम इसको क्रिएट करते हैं, देन आई विल टेल यू कि इसका यूज़ क्या है. कर्सर, ठीक है, मैंने इसका नाम कर्सर ऑब्जेक्ट का नाम मैंने कर्सर ही ले लिया है. ये हम किसकी हेल्प से क्रिएट करेंगे? ये हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट जो हमारा MyCon है उसकी हेल्प से. ठीक है, MyCon डॉट कर्सर फंक्शन. कर्सर फंक्शन की हेल्प से हम कर्सर ऑब्जेक्ट, जो ये हमारा क्या है? कर्सर ऑब्जेक्ट है. फाइन, इसको हमने MyCon डॉट, MyCon क्या है आपका? कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट कर्सर फंक्शन की हेल्प से क्रिएट किया है. अब देखो कर्सर ऑब्जेक्ट का क्या यूज़ है. ठीक है, कर्सर ऑब्जेक्ट गेट्स द एक्सेस ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स रिट्राइव्ड एज पर क्वेरी. इस ये क्या करता है? जितना भी डेटा क्या होगा, एक्सेस होगा, ठीक है, वो सारा डेटा किसके पास जाएगा? कर्सर ऑब्जेक्ट के पास जाएगा. ओके, और कर्सर ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इट विल अलाउ यू टू ट्रेवर्स द रिजल्ट सेट रो बाय रो. मीन्स जितना भी रिजल्ट सेट क्या होता है? जो डेटा कर्सर ने रिसीव किया है कहाँ से? डेटाबेस से. ठीक है, जो भी डेटा कर्सर ने रिसीव किया है डेटाबेस से, कर्सर ऑब्जेक्ट ने रिसीव किया है डेटाबेस से. ओके, उस डेटा को आप ट्रेवर्स कर सकते हो. ट्रेवर्स मतलब उस डेटा को वन बाय वन आप एक्सेस कर सकते हो. फाइन, तो हमने क्या किया? कर्सर ऑब्जेक्ट अपना क्रिएट कर लिया है. नेक्स्ट हम क्या करेंगे? क्वेरी अपनी एग्जीक्यूट कराएंगे. ओके, क्योंकि क्वेरी एग्जीक्यूट कराएंगे तभी तो हमारे पास डेटा आएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेरी. ओके,
तो वी हैव क्रिएटेड द कर्सर ऑब्जेक्ट. अब हमको क्या करना है, अब हम एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट कराएंगे, राइट. और एसक्यूएल क्वेरी को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एग्जीक्यूट फंक्शन का. फाइन, तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और जो भी क्वेरी आपको एग्जीक्यूट करानी है, मान लो मुझे एग्जीक्यूट करानी है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. स्टूडेंट टेबल है मेरी किसके अंदर, स्कूल डेटाबेस में. ओके, तो मैं उसका डेटा यहाँ पे एग्जीक्यूट करा देती हूँ. फाइन, हमने कर्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया. कर्सर ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, क्वेरी को एग्जीक्यूट करा रहे हैं. क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद जितना भी जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ जाके स्टोर होगा, कर्सर ऑब्जेक्ट में रिजल्ट होगा. मतलब स्टूडेंट टेबल का जितना भी डेटा जो आप एक्सेस करोगे इस कमांड से, वो कहाँ जाके स्टोर होगा, आपका कर्सर ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर होगा. फाइन, और कर्सर ऑब्जेक्ट आपको क्या करता है, ये आपको अलाउ करता है कि आप डेटा को ट्रेवर्स कर सकते हो या एक्सेस कर सकते हो रो बाय रो. ठीक है, आप रो बाय रो अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो. फाइन, अब देखो हमने क्वेरी एग्जीक्यूट कराई, उसका डेटा कर्सर ऑब्जेक्ट में चला गया. अब हम क्या करेंगे, उस डेटा को एक्सेस करेंगे. और उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोर लूप का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा. फाइन, तो मैं क्या करूँगी, कर्सर ऑब्जेक्ट को आइट्रेट करूँगी, ओके, टू गेट द रिजल्ट सेट. तो यहाँ पर हम करेंगे फोर लूप का यूज़, फोर आई इन कर्सर. ठीक है, कर्सर प्रिंट आई. तो देखो यहाँ पे रो बाय रो आप डेटा को एक्सेस कर सकते हो. फाइन, प्रिंट आई. ओके, नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब आपने क्या किया, डेटा को फोर लूप की हेल्प से रोज को रो बाय रो, देखो पहले आई क्या करेगा, कर्सर में स्टोर फर्स्ट रो को एक्सेस करेगा, फिर आई क्या करेगा, कर्सर में स्टोर सेकेंड रो को एक्सेस करेगा. ओके, जितनी भी आपकी रोज़ हैं टेबल के अंदर, स्टूडेंट टेबल के अंदर जितनी भी रोज़ हैं जो कर्सर में स्टोर हुई थी, वो आप फोर लूप की हेल्प से वन बाय वन एक्सेस कर लोगे. फाइन, अब देखो लास्ट क्या है, लास्ट आपको अपना कनेक्शन क्या करना पड़ेगा, क्लोज, क्योंकि अब हमें इसका कोई यूज़ नहीं करना. तो हम अपना कनेक्शन कर देते हैं क्लोज, माइकॉन डॉट क्लोज. फाइन, नाउ यहाँ तक हमने एग्जीक्यूट किया था, तो हमारे पास आ गया था सक्सेसफुली कनेक्टेड टू MySQL डेटाबेस. अब हम क्या करते हैं, रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करते हैं. ओके, सी ये आपके पास टेबल आ गई है. ओके, स्टूडेंट टेबल का डेटा आ गया है इन द फॉर्म ऑफ टपल्स. देखो टपल्स की फॉर्म में आया आपका डेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट टपल, सेकेंड जो सेकेंड रिकॉर्ड है वो सेकेंड टपल, देन थर्ड रिकॉर्ड थर्ड टपल, लाइक दिस. ओके, तो ये आपका क्या आ गया, डेटा. फाइन, यहाँ पे आपने क्या किया, पाइथन इंटरफेस के अंदर एसक्यूएल की क्वेरीज को, ये पाइथन का इंटरफेस है, राइट. ओके, उसके अंदर आपने एसक्यूएल की क्वेरीज को एग्जीक्यूट किया है. ठीक है, तो मेरा डेटाबेस क्या था, स्कूल था, और उसके अंदर से मैंने स्टूडेंट टेबल को एक्सेस किया है. फाइन, यहाँ पे देख लो 101 रोहन, लाइक दिस. तो मैं यहाँ पे आपको शो भी कर देती हूँ अपने डेटाबेस में, MySQL है, तो मैं इसमें कमांड लिख दूंगी शो डेटाबेसिस. ठीक है, ये मेरा स्कूल है डेटाबेस जिसके साथ मैंने कनेक्शन क्रिएट किया है, तो मैं इसको लिखूंगी यूज स्कूल, राइट. एंड इसके अंदर हम देख लेते हैं शो टेबल्स. तो एक ही टेबल है स्टूडेंट टेबल, हम कमांड देते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट. तो MySQL में क्या है, दिस इज़ नॉट केस सेंसिटिव, आप किसी भी केस अपर केस या लोअर केस में लिख सकते हो. तो देखो यहाँ पे देखो रोल नंबर 101 रोहन, मार्क्स 56.8, सेक्शन ए, प्रोजेक्ट पेंडिंग, राइट. और यही आप सेम अपने फाइल में देखोगे, यहाँ पे 101 रोहन, ओके, 56.8 ए पेंडिंग. ओके, तो अभी आपने क्या किया है, यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करके देखा है कि कैसे आप पाइथन इंटरफेस में MySQL को कनेक्ट कर सकते हो. फाइन, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, और क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेंगे, राइट. ओके, टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, ओके, एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.